नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले एप्सन PLQ50 पासबुक प्रिंटर के ऊपर। तो दोस्तों आप भी अगर बैंकिंग करते हो, आप भी अगर प्लानिंग कर रहे हो कि पासबुक प्रिंटर खरीदना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इससे पहले एप्सन ने PLQ20, PLQ30, PLQ35 ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जो कि अभी मार्केट में चल रहा है, और एप्सन PLQ50 जो कि एप्सन ने नया लॉन्च किया है अभी। तो दोस्तों आपको PLQ50 क्यों लेना है, इसका एडवांटेज क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर प्लानिंग कर रहे हो तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको नॉलेज मिलेगा कि क्यों आपको PLQ50 खरीदना है, क्यों आपको 20, 30, 35 नहीं लेना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपके पास अगर PLQ 20, 30 या 35 प्रिंटर है जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब पेपर पिकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, गियर का प्रॉब्लम आ रहा है, डेड हो चुका है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करके अपलोड करके रखा हुआ है, प्रिंटर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा, बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और इससे इसके बाद भी अगर आपको स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम आ रहा है पासबुक प्रिंटर में, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का। और दोस्तों इसका पूरा फीचर्स आप लोगों को आज दिखाऊंगा, तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्सिंग कर लेते और दोस्तों इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है सब कुछ हम डिटेल में आपको समझाएंगे, दिखाएंगे, और इसका फुल फीचर्स भी आपको हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको नॉलेज दे देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने अनबॉक्स लगभग कर लिया है, तो अभी देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए एक USB केबल है जो कि कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को जोड़ेगा, और यहाँ पे देखिए एक कार्टिज आपको दिया गया है जो इसका इंक कार्टिज है। तो फटाफट हम इसको खोल लेते हैं, पहले इंक कार्टिज और USB केबल इसको साइड में रख देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा गुड क्वालिटी का एक पावर कॉर्ड भी हम लोगों को मिल रहा है, गुड क्वालिटी का, इसी को आप यूज़ कीजिएगा, दूसरा कोई पावर कॉर्ड नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि प्रिंटर अगर अच्छे तरीके से चलाना है आपको तो इसमें जो वायर वगैरह यहाँ पे बिल्ड किया गया है, तो यही वाला कॉर्ड आपको यूज़ करना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को यूज़र मैनुअल और डाइवर्ट CD भी मिल रहा है, डाइवर्ट CD जो कि इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, आप इंटरनेट से भी, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से, एप्सन का ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप लोगों को एक डाइवर्ट CD भी मिलेगा। और यहाँ पे मैनुअल वगैरह दिया गया है, आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस प्रिंटर को पहले तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एप्सन PLQ50 पासबुक प्रिंटर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही चेंजेस किया गया है, देखिए जो पहला चेंजेस मुझे नज़र आ रहा है वो है डिस्प्ले, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों, क्योंकि अभी तक एप्सन ने जो भी पासबुक लॉन्च किया था PLQ 20, 30, PLQ 35, उसमें डिस्प्ले नहीं था। तो डिस्प्ले होने से आपको एडवांटेज यही है कि इस प्रिंटर में कोई भी एरर आपको मिलता है कि किसके वजह से हो रहा है, तो डिस्प्ले में आपको एरर कोड
मिल जाएगा। तो एयर कोट की मदद से आप आसानी से ढूंढ सकते हो कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है। इससे पहले क्या होता है दोस्तों कि लॉजिक बोर्ड खराब हो चुका है, प्रिंटर ऑन हो रहा है लेकिन लॉजिक बोर्ड खराब है, तो हम लोगों को पता चलता नहीं था कि किसके वजह से पेपर पिक नहीं कर रहा है। तो सेंसर के वजह से भी पेपर पिक नहीं करता, तो सेंसर खराब हो सकता है। तो इसमें जो गियर वगैरह लगा होता है गियर के वजह से भी मतलब पेपर पिक करता नहीं है। तो बहुत सारा रीज़न है, हेड का मूवमेंट बंद हो चुका है क्योंकि उसका केबिल ख़राब हो चुका है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चेक करके पता लगाना पड़ता था। तो अभी क्या हुआ है दोस्तों, अभी डिस्प्ले के साथ ये वाला Epson PLQ50 आ रहा है, तो आपको आसानी से पता लग सकता है कि इस प्रिंटर में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको आसानी से कोड दिख जाएगा। प्रिंटर अगर रेडी नहीं होगा तो यहाँ पे कोड शो करेगा अदर्स प्रिंटर की तरह, जो कि इंक टैंक कार्टिज वगैरह जो प्रिंटर होता है Epson का, तो HP का भी है, जिसमें आपको डिस्प्ले मिलता है। तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, वहाँ पे आपको एरर कोड मिलता है। तो एरर कोड के साथ आपको पूरा मिल जाएगा कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले की तरह ही F1, F2 और ऑफलाइन का बटन यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे पावर का लाइट और रेडी का लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो सेम टू सेम है, मतलब PLQ50 जैसा दिखता था, मतलब व्हाइट कलर का, ऐसा ही मतलब आपको देखने को मिलता है। लुक में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले आपको जोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसके साथ कंट्रोल पैनल के साथ डिस्प्ले भी आ गया है। तो अंदर का बात कीजिएगा, तो चलिए अंदर भी आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो हेड आपको दिख रहा है 24 पिन का हेड आपको मिल रहा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और इसमें खासियत यही है दोस्तों, इसका जो स्पीड है वो 20, 30 और 35 से बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट कर रहे हो, मतलब आपको लगेगा कि लेज़र प्रिंटर में प्रिंट हो रहा है। इतना फास्ट किया गया है, क्योंकि मैंने खुद से इसको रिव्यू करके देखा है, मतलब चला के देखा है, इंस्टॉल करके देखा है। तो उसमें हम लोगों को पता चल गया है कि इसमें जो स्पीड दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो 20, 30 और 35 से भी ज़्यादा है। और आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप डॉट मैट्रिक्स में प्रिंट कर रहे हो। डॉट मैट्रिक्स में जैसा होता है कि धीरे धीरे प्रिंट होता है, तो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही फास्ट आपको प्रिंटिंग करने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जो पहले गियर वगैरह लगा होता था तो अलग से यहाँ पे गियर लगा होता था, जिसके वजह से गियर टूट जाता था, और गियर टूटने के वजह से पेपर पिक नहीं होता था, हेड का मूवमेंट होता नहीं था, और यहाँ पे जो गियर वगैरह है वो मूवमेंट बंद हो जाता था। तो इसके वजह से Epson ने क्या किया है, इसको फिक्स्ड कर दिया है। देखिए यहाँ पे टूटने की अभी कोई गुंजाइश ही नहीं है। PLQ35 में भी आपको देखने को मिलेगा कि गियर पूरा फिक्स्ड हो चुका है, 30 में भी आपको देखने को मिलेगा गियर फिक्स्ड हो चुका है। और यहाँ पे देखिए RD असेंबली, मेरे हिसाब से जो क्वालिटी का दिया गया है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि 20-30 में जो हम लोगों को देखने को मिलता था, मतलब RD असेंबली बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छे क्वालिटी का RD असेंबली देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे PGI असेंबली जो है, यहाँ पे PDI असेंबली जो है वो भी अच्छे क्वालिटी का दिया गया है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो PDI असेंबली दिया गया था तो नॉर्मल क्वालिटी प्लास्टिक क्वालिटी का होता था, लेकिन अभी जो क्वालिटी दे रहा है तो थोड़ा सा अलग है मेरे हिसाब से। तो देखिए बहुत ही डिज़ाइन भी मतलब सेम टू सेम ही है, थोड़ा सा चेंजेस किया है, और यहाँ पे हेड जो है हेड 24 पिन का है। और दोस्तों आपको मेरा साइज़ नहीं है कि जब भी आपका कार्टिज ख़त्म हो जाए, मतलब इंक वगैरह ख़त्म हो जाए, तो आप नया वाला कार्टिज ही, मतलब ओरिजिनल कार्टिज ही इसमें इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि मार्केट में आपको 200-300 रुपया में मतलब कार्टिज तो मिल जाता है, लेकिन उस कार्टिज के वजह से आपका हेड ख़राब हो सकता है। तो आप इस हेड को बचाने के लिए, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, 14,000-15,000 इसका प्राइस है हेड का, तो हेड ख़राब ना हो इसके वजह से आपको नया कार्टिज बराबर आपको इंस्टॉल करके यूज़ करना है।
और दोस्तों कभी भी इस प्रिंटर में पेपर अगर फंस गया है, पासबुक अंदर फंस गया है, तो पहले प्रिंटर को ऑफ कीजिए। ऑफ करने के बाद ही आप पेपर को निकालिए, मतलब पासबुक को निकल के लाइए, क्योंकि दोस्तों जब पासबुक ऑन होता है तो इसका जितना 24 जो पिन होता है वो पिन बाहर होता है। तो उस सिचुएशन में आप अगर पासबुक खींच के लाओगे तो इसका पिन जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो इसके वजह से आप पहले प्रिंटर को ऑफ कीजिए, उसके बाद ही पेपर आप खींचिए। तो दोस्तों ऐसा ही है, मतलब अलग से मतलब डिस्प्ले ही इसका बहुत ही मज़ा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ डिस्प्ले में एक्चुअली क्या हो रहा है, मतलब क्या देखने को मिलता है। तो अभी हम क्या करेंगे, कार्ट्रिज नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोगों को पिन करना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ देखना है कि डिस्प्ले में क्या नज़र आता है। तो चलिए पावर को यहाँ पे लगा देते हैं पहले। और चलिए ऑन करते हैं। तो देखिए पहले ही F1 हम लोगों को नज़र में आ गया है, अभी इनिशियलाइजिंग प्रोसेस हो रहा है। तो सब कुछ डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे रेडी भी हो चुका है। तो देखिए रेडी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में, क्योंकि मैंने दोस्तों लगभग 20, 30, 35 जितना सारा F1 का पासबुक प्रिंटर है मैंने रिपेयर किया है, अपलोड भी किया है, उसका जितना सारा प्रॉब्लम मार्केट में देखने को मिलता है बैंकिंग में सब कुछ मैंने कवर किया है। तो आप जाके मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो डिस्प्ले देख के मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि डिस्प्ले में भी आपको नज़र आएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम एक्चुअली आ रहा है। तो मुझे स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक करके चेक करना नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मेरा सजेशन नहीं है, आप अगर पासबुक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप F1 PLQ 50 खरीदे। देखिए दोस्तों ये वाला कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि हम लोग छोटा क्रिएटर है, हम लोगों को F1 प्रमोट करने के लिए पैसा वगैरह देगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कस्टमर का प्रॉफिट है वही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों का भी प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोगों को डिस्प्ले में ही नज़र आ जाएगा प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, हम लोगों को ज़्यादा इसमें मेहनत करना नहीं है, इसमें हम लोगों को पता चल जाएगा। तो फिर से एक बार ऑफ करके ऑन करके देखते हैं। देखिए पहले F1 आ रहा है, अभी इनिशियलाइजिंग हो रहा है, उसका भी मतलब लोगो आपको दिख रहा है, इनिशियलाइजिंग यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे रेडी दिखा रहा है, तो राइट टिक भी दिया गया है। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है, आप अगर प्लानिंग कर रहे हो तो ज़रूर 50 खरीदेगा, क्योंकि नया लॉन्च हुआ है और इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, इसका प्रिंटिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। तो आपके हिसाब से देख लीजिएगा। और दोस्तों कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन मन में आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, क्या जानना चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों इसका इंस्टॉलेशन हम दूसरे एक वीडियो में आपको दिखा देंगे कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि नया लॉन्च हुआ है, सब कुछ मतलब सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा तभी जाके आप लेटेस्ट मॉडल जो है वो खरीद पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब के लिए कोई पैसा वगैरह लगता नहीं है दोस्तों। और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप अगर फेसबुक में देख रहे हो ये वाला वीडियो तो आप मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इस तरह का टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलता रहता है, आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।